इधर 15 में क्या लिखेंगे? 5 चलो क्या बोलते हैं, आई हैव एन आइडिया। ये जो डेविड था ना लड़का, इनके साथ देन वी कैन आल्सो ईट एंड हैव अ फन टुगेदर। हम इकट्ठे खाएंगे, हाँ इकट्ठे खेलेंगे। चलो हम क्लास में क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन बाबा है। मैं यहाँ यूपीएस कारमुला जोन त्राल का हेडमास्टर हूँ। कल यहाँ पे हमारा स्कूल बंद किया गया, इसको लॉक किया गया, और आज जब हम दोबारा स्कूल आए तो फिर हमने देखा कि ये स्कूल लॉक किया है। हमने फिर अपने कंसर्न जाड़ियो साहब को इन्फॉर्म किया और उन्होंने हमें अश्योर किया कि हम आज दिन में ये मसला हल करेंगे। लेकिन हम इस वक्त स्कूल के बाहर सड़क के किनारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमें बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर सांप का खतरा है, कीड़े मकोड़ों का खतरा है, और इससे हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जा रही है। हम सिर्फ ये गुजारिश करते हैं अपनी हायर अथॉरिटी से, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस मसले को वहाँ पे रिजॉल्व किया जाए और हमें स्कूल में वापस जाने की इजाज़त दी जाए। कि मैंने एजुकेशन को 2005 से ये ज़मीन दिया है, डोनेट किया है। इस वजह से किया है, इन्होंने उस टाइम कहा है मुझे, मैं आपको यहाँ दो बंदे हैं जिसको नौकरी मिलेगा, लेकिन आज तक ना नौकरी मिला है ना कुछ मुआवजा मिला है। इससे पहले मैंने दो बार ये स्कूल बंद किया है, आया बड़े बड़े अफसर यहाँ आए हैं, उन्होंने कहा आप 2 महीने हमें मोहलत दे दो, 2 महीने के अंदर अंदर हम आपका मसला हल करेंगे। लेकिन 2005 से आज तक 2018 हुआ है, कोई मसला हल नहीं हुआ, इसलिए मैं आज मजबूर हो गया, मैंने ये बंद किया। मेरी डिमांड यही है कि यहाँ मुलाजमत, अगर गवर्नमेंट के पास मुलाजमत नहीं है तो मेरा कंपनसेशन दे दो, मैं छोड़ दूँगा, वरना अगर नहीं छोड़ेगा तो ये बिल्डिंग उठा देते हैं, हमें हमारा ज़मीन वापस कर दो। इस बारे में हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि 2005 में स्कूल बना हुआ है, उस वक्त इसने लैंड डोनेट की है, और लैंड डोनेशन में जो पहले नॉर्मल्स थे तो उसमें ठेका मिलता था लोन लैंड डोनर के लिए, तो वो जो बिल्डिंग बनी है वो इसी ने बनाई है। उसके बाद हमारे जो मेरे पहले जो भी अथॉरिटीज़ रही हैं जोन में, उन्होंने इसका केस जो है फॉरवर्ड किया है अपने चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब को भी, और उसके अलावा इसमें इस लैंड डोनर के 2 अफराद खाना पहले ही बैसती कुक और असिस्टेंट कुक काम कर रहे हैं। उसके अलावा इसी का और एक रिश्तेदार स्वीपर कम नाइट चौकीदार का काम भी कर रहा है, जिसके लिए उसको उनको बराबर ऑनरेरियम मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आज के डेट में जब कल इसने इस स्कूल को ला किया था तो हमारे नॉलेज में आ गया, तो मैं ऑन स्पॉट अपने ZEPO के साथ ऑन स्पॉट स्कूल में गए, और वहाँ इसके साथ हमने इससे पूछा कि मामला क्या है। इसने कहा कि इस तरह या तो मुझे कंपनसेशन मिलना चाहिए या मेरा जो बंदा काम कर रहा है उसको रेगुलराइज करना चाहिए। अब चूंकि ये डिपार्टमेंटल प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है, तो विद इन ओवर नाइट कुछ पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने इसका जो भी जेन्युइन केस है, जो भी इसकी जेन्युइन डिमांड, तो वो हमने अपने सुपीरियर ऑफिसर उसको सबमिट की है। मैंने डिपार्टमेंट बराबर काम कर रहा है, डिपार्टमेंट चूंकि डिपार्टमेंटल प्रोसेस में एक सेट प्रोसीजर है, जिस सेट प्रोसीजर के तहत या
या तो इसको कंपनसेशन मिल जाएगा, पहले इसने नौकरी मांगी है तो नौकरी तो दी है। अब रेगुलराइजेशन में एक नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है, एक सेट प्रोसीजर है, उस सेट प्रोसीजर के तहत इसको ड्यू टाइम पर इसके जो भी बंदे काम कर रहे हैं, दो अपराध खान हैं, वो रेगुलराइज हो जाएंगे। तो हम ऑफिशियली जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है या जो एट द हेलम ऑफ अफेयर्स है, हम उनको इसके बारे में मुतला करेंगे। हमने इन राइटिंग रिपोर्ट बनाया है, वी आर सबमिटिंग टू द ADC त्राल, तो वो हम उसको दे देंगे, दे विल टेक द एक्शन एज पर द नॉर्मल। थैंक यू सर।